हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव साइमा, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी हैक्स और क्रिएटिविटी की। तो फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं मिठाई के डिब्बे का बहुत ही अच्छा सा यूज। आज अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना, तो आप मिठाई के डिब्बों को फेंकना बंद कर दोगे। तो उससे पहले, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मम्मी, क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों हो आप? बेटा, आपने मेरा मोतियों का बॉक्स देखा? नहीं मम्मी। और बेटा, मेरे स्टोन का बॉक्स? नहीं मम्मी। तो आज हम लोग जो DIY बनाने जा रहे हैं, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मिठाई के डिब्बों का। अभी दीपावली में क्या था ना, बहुत सारी मिठाइयाँ आई थी, तो इस तरह के डिब्बों में पैक होकर आई थी वो, तो ये देखो बॉक्स रखा हुआ था। तो हम लोग इसका ही यूज करेंगे इस DIY को बनाने के लिए। साथ ही साथ देखो, मेरे पास ये इस टाइप के बाउल है, ये जैसे मार्केट से कुछ सामान मंगाया खाने का, सब्जी वगैरह, तो वो इसके अंदर डिस्पोजल बाउल में पैक होके आती है, तो ये मैंने रखा हुआ था। तो आज हम लोग इसका ही यूज़ करके एक बहुत ही काम की चीज़ बनाने वाले हैं। तो चलो फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले क्या करेंगे ना, हम इसको पूरा पेंट कर देंगे इस बॉक्स को। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ येलो कलर, अपना फैब्रिक कलर है ये येलो, तो मैं इससे ना इस पूरे डिब्बे को पहले पेंट करूँगी। चलो इसको पेंट करते हैं। इसको पूरा ना फुल एकदम अच्छे से पेंट कर लेना है। हम मैं येलो कलर ले रही हूँ, आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले लेना, और ज़रूर बनाना ये DIY, क्योंकि ये बहुत ही काम का है। आगे चल के आपको पता चलेगा आखिर इसका क्या यूज़ है। तो इस तरह से मैं इसको पूरा पेंट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस बॉक्स को पेंट कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने ये जो बाउल्स थे इनके साथ, वो भी मैंने पेंट कर लिए हैं। अच्छा, मैंने जो बाउल्स है ना, उनको अंदर के साइड पेंट किया है, बाहर के साइड पेंट नहीं किया है, क्योंकि हम बाहर इसमें कुछ और डिज़ाइन बनाएंगे। साथ ही साथ मैंने अभी इसमें एक ही कोट किया है, और अगर लगेगा कि इसमें सेकेंड कोट करना चाहिए तो मैं इस पर सेकेंड कोट भी कर लूँगी। फिलहाल अभी हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं, और जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम देखेंगे कि इसके ऊपर सेकेंड कोट करना है कि नहीं।
तो फ्रेंड्स अब ये जो बॉक्स था इसका जो कैप था ना इसको मैंने पेंट नहीं किया है क्योंकि मैं ना इसके ऊपर ये मेरे पास क्लोथ है तो मैं इसके ऊपर इसको ही पेस्ट करूँगी ताकि इसका एक अच्छा सा अलग सा बिल्कुल लुक आएगा। तो इस तरह से मैं इस कपड़े को इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी।